हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज आपको अपने इस वीडियो में 50 पैसे कॉइन के बारे में बताएंगे कि उनकी वैल्यू क्या होती है और कौन सी कंडीशन पे ज्यादा वैल्यू पे सेल होते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में इस 50 पैसे कॉइन के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने ये कॉइन्स देखे होंगे, बहुत कॉमन कॉइन्स हैं और बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। हम सब ने ये कॉइन्स देखे, बहुत आसानी से हमें ये देखने को मार्केट में मिल जाते थे, लेकिन अब थोड़ा कम हो गए क्योंकि जब से ये बंद हुए उसके बाद से ये कॉइन्स दिखे नहीं ज्यादा मार्केट में, क्योंकि ये चलते नहीं है तो अब ज्यादा देखते नहीं। इसमें भी दोस्तों कुछ ऐसे कॉइन्स थोड़े रेयर होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है थोड़ी ज्यादा होती है। दोस्तों, अब इन कॉइन्स की बात करें तो ये कॉइन्स जो मिंटेज हुई थी इनकी, ये 1988 से लेकर 2007 तक इनकी मिंटेज हुई थी। अब इस कॉइन की बात करें तो इसका जो मेटल होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है, और इसका ये जो कॉइन देख रहे हैं इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर 24 mm का होता है, और इसका जो वेट होता है, ये इस कॉइन का जो वेट होता है 3.79 ग्राम्स तक होता है। अब और इसकी जो थिकनेस होती है 1.45 mm की होती है। दोस्तों, अब इन कॉइन्स की अगर रेयरिटी, इसमें कुछ ऐसी वैरायटीज आती थी, कुछ ऐसे कॉइन्स आते थे जो थोड़े स्कैर्स कैटेगरी में लाया करते थे, उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती थी। अगर इनके ऐसे कॉमन कॉइन्स हैं जो कॉमन ईयर्स के कॉइन्स, अगर यूज्ड कंडीशन में उनकी वैल्यू बात करें तो अप्रॉक्स 2 रुपीज़ to 3 रुपीज़ पर पीस तक मिल जाते हैं, और अगर यूएनसी कंडीशन में बात करें तो 7 to 10 रुपीज़ पर पीस तक। दोस्तों, अब ये जो वैल्यू हमने बताई, इसकी जो वैल्यू थी, अगर आप 100 to 200 पीसेस का लॉट ले तब जाके आपको इस वैल्यू पे कॉइन मिलेंगे। अगर आपको 1 piece, 2 piece, 5 piece चाहिए होंगे तब आपको इस वैल्यू पे कॉइन नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक या दो पीस में किसी का प्रॉफिट नहीं होता है, तो आपको इस वैल्यू, इस प्राइस पे कॉइन देने शायद ना दे। अगर आपके आप कलेक्टर हैं और आपको कलेक्शन करना है तो यूएनसी कंडीशन में आप ये कुछ कॉइन्स रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ईयर के कॉइन ऐसे होते थे तो थोड़े स्कैर्स कैटेगरी में लाया करते थे। दोस्तों, पहला ईयर है 1993 बॉम्बे मिंट का कॉइन, मतलब 1993 बॉम्बे मिंट का अगर कॉइन है तो वो स्कैर्स कैटेगरी में लाया करता है। अगर आपके पास वो कॉइन आता है और आप एक कलेक्टर हो तो आप उसे प्रिजर्व करिए, क्योंकि आगे चल के उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। इस समय जो उसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्स 50 to 70 rupees पर पीस तक होगी। उसके बाद से 1993 कोलकाता मिंट का कॉइन, वो भी स्कैर्स कैटेगरी में लाया करता है, उसकी भी सेम वैल्यू 50 to 70 rupees पर पीस तक मिल जाएगी। फिर 1993 का हैदराबाद मिंट का कॉइन, ये कॉइन भी स्कैर्स कैटेगरी में लाया करता है। स्टेनलेस स्टील का ये कॉइन होता है, 50 पैसे का कॉइन। अगर आपके पास ये कॉइन आता है तो आप अपने पास रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं उसे। ये कॉइन, इस कॉइन की भी वैल्यू आगे जाके बढ़ सकती है। उसके बाद से दोस्तों आता है 1997 का कोलकाता मिंट का कॉइन और हैदराबाद मिंट का कॉइन, ये दोनों कॉइन्स भी स्कैर्स कैटेगरी में लाया करते हैं। अगर आपके पास ये कॉइन्स आते हैं तब भी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि इनकी भी वैल्यू आगे चल के बढ़ सकती है और ये ज्यादा वैल्यू पे सेल होते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट कॉइन आता है इसमें, 2003 का बॉम्बे मिंट का कॉइन, ये कॉइन भी स्कैर्स कैटेगरी में लाया करता है। अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का 2003 का कॉइन्स आता है तो आप उसको भी अपने कलेक्शन में रखिए, प्रिजर्व करिए, आगे चल के उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अभी की जो वैल्यू है 50 to 70 rupees पर पीस तक मिलेगी आपको। अगर आपको 50 पैसे कॉइन की, अगर आपको 50 to 70 rupees पर पीस मिल रहा है तो बेकार नहीं, 50 पैसे के बदले आपको 70 rupees पर पीस मिल जा रहा है तो ये डील भी अच्छी हो सकती है दोस्तों। लेकिन अगर कोई कॉमन ईयर का कॉइन है, कॉमन कॉइन है या यूज कंडीशन में कॉइन है, तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2 to 3 rupees यूज कंडीशन में, और ऐसे यूएनसी कंडीशन में 5 to 7 rupees पर पीस। लेकिन ये वैल्यू दोस्तों, ये वैल्यू जो होती है, ये अगर आप 100 to 200 पीसेस का लॉट लेंगे कॉइन्स का, तभी इस वैल्यू पे आपको कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप सिंगल एक या दो पीसेस का पीसेस लेंगे कॉइन्स के, तो इसकी ये जो वैल्यू, इस वैल्यू पे कोई भी कलेक्टर देना पसंद नहीं करेगा या कोई भी डीलर आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर आप एक या दो पीस लेते हैं तब आपको 50 to 70 rupees पर पीस ही देना पड़ेगा, क्योंकि एक दो पीस में उसका प्रॉफिट नहीं निकलेगा और एक दो पीस के लिए आपसे वो डील भी नहीं करेगा। तो मिनिमम कम से कम आपको 100 पीस तो लेने ही पड़ेंगे अगर आपको ये कॉइन्स चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास ये कॉइन्स यूएनसी कंडीशन में रखे हुए हैं और यूएनसी कंडीशन में 100 to 200 पीसेस का लॉट है, तब आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये दोस्तों अभी हमारे पास यूज कंडीशन वाले कॉइन ही है, यूएनसी वाले हमने निकाले नहीं थे, यूएनसी भी हमारे पास रखे हुए हैं, बस हमने वीडियो बनाने के लिए आपको ये यूज कंडीशन कॉइन्स दिखाए। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन्स रखे हुए हैं और आपको सेल करना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जीमेल आईडी दी है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने कॉइन्स की पिक्स हमें सेंड करिए, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। हमें अगर कॉइन्स जेन्युइन लगे या यूएनसी लगे तो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा तो यूएनसी कंडीशन कॉइन के लिए कॉन्टैक्ट करिएगा, और अप्रॉक्स 100 to 200 पीसेस का लॉट होना चाहिए, क्योंकि सिंगल पीस, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारे पास एक कॉइन है, दो कॉइन है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो कॉइन की वैल्यूएशन होती है वो कितना पुराना कॉइन है उस पर डिपेंड नहीं करता है। दोस्तों, जैसे जो कॉइन की वैल्यू होती है, अगर वो बहुत पुराना है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हर चीज़ पुरानी हो गई तो रेयर नहीं होगी और कीमती
ही नहीं होगी। इस टॉपिक पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और अगर आपको कॉइन्स नोट्स से रिलेटेड कोई बुक्स या कॉइन होल्डर्स या एल्बम्स चाहिए तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।